स्टूडेंट, वी स्टडी अबाउट वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. नाउ इन पार्ट ऑफ सेकेंड इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स विच टाइप ऑफ एनिमल्स, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट दे लिव. इन क्लास सिक्स यू आर गिवन इन ए आइडिया अबाउट द अडेप्टेशन विच आर क्लाइमेट एनिमल्स डेवलप टू लिव इन डिफरेंट हैबिटेट लाइक एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस और आर्बोरियल. Dear student, in 6th class, you study about what are amphibians, what are terrestrial, aquatic and arboreal. Dear student, aquatic means the animals which live only in water. जो water में रहने वाले animals हैं उनको अपन aquatic बोलते हैं. Terrestrial animals live only on land. And amphibian animals वो होते हैं जो water और land दोनों के अंदर रहते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल्स यू कैन सी इन दिस सीजन फ्रॉग. फ्रॉग को आप देख सकते हो, इस सीजन में बहुत सारे फ्रॉग होते हैं. वो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड के अंदर भी रहते हैं. एंड आर्बोरल, आर्बोरल एनिमल्स वो होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, प्लांट्स के, ट्री के ऊपर मोस्टली रहते हैं. जैसे मंकी है, इस टाइप के जिनका होम होता है, शेल्टर होता है, वो क्या होता है, ट्री. एनिमल्स डेवलप अडेप्टेशन इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट. इन एनिमल्स के अंदर अडेप्टेशन इस टाइप के होते हैं कि अपन नहीं रह सकते. यदि अपन को वाटर में 24 आवर्स के लिए कहा जाए तो नहीं रह सकते, बिकॉज वी कॉन्ट ब्रीथ इन वाटर. अपन ब्रीथ नहीं कर सकते वाटर के अंदर. और यदि फिश है उसको लैंड पे रखा जाए तो वो भी नहीं रह सकती. इसका रीज़न ये है कि फिश के अंदर लंग्स नहीं होते जो कि एयर को ट्रैप कर सके. इसलिए डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें अडेप्टेशन हो जाता है और वो इजीली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं. क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अडेप्टेशन विच द एनिमल्स डेवलप हेल्प देम टू सर्वाइव. अडेप्टेशन वो होते हैं जो एनिमल्स खुद डेवलप करता है कि वो इस टाइप के कंडीशन के अंदर आराम से सर्वाइव कर सके. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट क्लाइमेट स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट. जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं और जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर इस टाइप के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं कि वो इजीली सर्वाइव कर सके. जैसे कि कैमल है, कैमल बहुत ज़्यादा हॉट के अंदर रह सकता है. इसका रीज़न ये है, फर्स्ट तो ये कि वो 1 मंथ तक विदाउट वाटर के रह सकता है. इसका रीज़न ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, दूसरी उसका यूरिन होता है बहुत, क्या होता है, गाढ़ा होता है, बहुत ही लो क्वांटिटी के अंदर निकलता है. थर्ड रीज़न है कि उसकी स्किन का कलर होता है वो सैंड का कलर होता है, लाइट कलर होता है. लाइट कलर होता है वो सन की रेज को कम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. इसके अलावा जो कोल्ड एरिया के अंदर होते हैं उनका एक तो बॉडी का कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर होता है. और दूसरा उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेयर होते हैं, ताकि उनको क्या, बॉडी का इंसुलेशन बना रहे. और उनकी जो स्किन होती है वो भी क्या होती है, मोटी होती है. तो कुछ ये जो एडेप्टेशन होते हैं वो एनिमल्स के अंदर होते हैं. ट्रॉपिकल रेनफॉर्स हॉट क्लाइमेट डेवलप. टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडेप्टेशन वी विल फर्स्ट लुक एट दीज टू क्लाइमेट्स. एक फर्स्ट पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. द पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. यानी ये जो पोलर रीजन्स ये जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिरती है और पूरी वर्ष, पूरी ईयर, पूरी साल भर वहाँ पे क्या रहती है, ठंड रहती है. ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो -400°C. सर्दियों की जो सीजन आती है उस टाइम तो वहाँ का टेम्परेचर -400 से भी कम हो जाता है. 0°C पे आइस जमती है, अब सोचो -400 पे कितना वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा. एनिमल्स लिविंग अंडर सच सर्वाइव कंडीशन हैव अडेप्टेड बाई फॉलोइंग फीचर. तो इस जगह पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के फीचर अपन नहीं रह सकते, नहीं अपनी काऊ रह सकती, नहीं बफेलो रह सकते. यानी लैंड के ऊपर रहने वाले जो जीव है, डेजर्ट में रहने वाले हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन आर यूजुअली व्हाइट और लाइट कलर. पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का कलर चाहे तो व्हाइट होगा, चाहे उनका बहुत लाइट होगा. इट मेक देम टू इजीली विजिबल इन द स्नो बैकर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. इसका रीजन ये होता है कि व्हाइट कलर की स्नो होती है तो कोई भी शिकारी यदि उसको
वो कर रहा है, फाइंड कर रहा है, तो इजीली वो देख नहीं पाता. व्हाइट कलर की स्नो के अंदर व्हाइट कलर का एनिमल्स उनको इजीली दिखाई नहीं देगा और वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है. मोस्ट एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन सी हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर. हाइबरनेट का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट, व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन का मतलब होता है कि विंटर, जो कोल्ड एरिया में रहने वाले जीव होते हैं वो विंटर सीजन में जो चट्टानें होती है उनमें छुप जाते हैं. उनको कम से कम 6 से 7 मंथ तक यदि कोई भी फूड नहीं मिले तभी वो इजीली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं. हाइबरनेशन ऑल्सो मिनिमाइज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि उस टाइम वो आराम से लॉन्ग स्लीप करते हैं तो उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो भी कम होती है, तो उसे एनर्जी कम वेस्ट होती है. द एनिमल्स इन दीज रीजन हैव थिक वूल एंड फ्लीस ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी के ऊपर घने लंबे बाल होते हैं. दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ताकि ज़्यादा ठंड होती है उससे वो बच सके. द फैट अंडर द स्किन ऑल्सो गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड. इसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है उसमें फैट होती है वो ज़्यादा होती है, तो फैट ज़्यादा होती है उसको गर्मी लगती है, यानी गर्म होती है ये, तो उनको ठंड कम लगती है. हेयर वी डिस्क्राइब द पोलर रीजन अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ. अब एग्जाम्पल्स अपन 2 लेते हैं, एक एनिमल्स का एक बर्ड्स का. एनिमल्स के अंदर पोलर बियर और बर्ड्स के अंदर पेंगुइन. अब सबसे पहले अपन पोलर बियर है उसकी स्टडी करते हैं. इट हैज़ वाइड एंड लार्ज पाज. पाज का मतलब होता है इसके जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े होते हैं जो कि स्नो के अंदर इजीली चल सके. सच पाज हेल्प टू एनिमल टू स्विम वेल. इसी प्रकार इस टाइप के स्विम भी इजीली ऐसे चल सकते हैं. द बॉडी हैज टू थिक लेयर ऑफ फर अंडर देयर स्किन. ए लेयर ऑफ फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. इनकी बॉडी के ऊपर जैसे पिक्चर में दिखाया गया है इनके व्हाइट कलर के बहुत ज़्यादा फर होते हैं और अंदर जो स्किन होती है वो भी क्या होती है, मोटी होती है. द फर एंड द लेयर ऑफ फैट कीप द बॉडी वार्म. ये फर और जो फैट होती है इसकी बॉडी को गर्म करके रखती है ताकि एक्सट्रीम खतरनाक जो ठंड होती है उसे अपने आप को बचा सके. फर इज वाइट सो दैट द एनिमल कैन नॉट बी इजिली सीन इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड बाई द पेडिटर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस. यानी इसकी बॉडी का कलर वाइट होने की वजह से जो भी शिकारी होते हैं वो दूर से उनको पहचान नहीं सकते ताकि वो उनसे बच सके. द फर दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम बींग ईटन बाई द एनिमल्स. तो इससे बिग एनिमल्स होते हैं वो इनको खाने से रोक सकते हैं क्योंकि वो स्नो भी वाइट होती है और इनकी बॉडी भी वाइट कलर की, तो इजीली कोई पहचान नहीं पाता. इट कैन क्लोज इन नोस्ट्रिल वॉल स्विमिंग. और इनकी ये कैपेसिटी होती है कि जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अपने नोस्ट्रिल जो नासा द्वार होते हैं उनको बंद करके रखते हैं. कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड. और वाटर के अंदर ये लंग में टाइम तक रह सकते हैं. इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. द अडेप्टेशन हेल्प टू लोकेट ए प्रे फॉर फ्रॉम ए डिस्टेंस. इस सेंस ऑफ स्मेल का मतलब होता है इनकी जो नोज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो दूर से ही स्मेल को पहचान सकते हैं ताकि वो किसी भी शिकार को दूर से ही पहचान ले कि किस टाइप का है, तो अपने आप को बचा सके. इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज ऑफ इट्स पास द प्रोवाइड गुड ग्रिप एंड हेल्प द एनिमल्स टू वॉक ऑन आइस. जबकि इसके पंजे होते हैं वो भी क्या होते हैं, साफ होते हैं ताकि इजीली वो क्या कर सके, आइस पे चल सके. देन आफ्टर है अडेप्टेशन इन पेंगुइन. पेंगुइन इज वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर बियर. ये भी पोलर बियर के अंदर रहने वाला है. इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वाइट फेदर ऑन द बेली मर्ज वेल द स्नो बैकग्राउंड. यानी इनका जो आगे का जो फ्रंट पार्ट होता है वाइट कलर का होता है, तो स्नो के अंदर इजीली किसी से पहचान नहीं सके. प्रेडिटर शॉर्ट बट थिक फेदर मेक देयर बॉडी वाटर प्रूफ. और इसके फर होते हैं, बाल होते हैं बहुत घने होते हैं ताकि कोई आइस वगैरह के अंदर यदि ये स्विम करता है तो इजीली वाटर होता है बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके. द अंडर द स्किन फैट थिक एंड फेदर्स ऑन द बॉडी प्रोटेक्ट पेंगुइन फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. इसके अलावा इसके घने ज़्यादा फर होते हैं और जो फैट होती है वो भी इसको ज़्यादा ठंड से बचाते हैं. स्टेमलाइज बॉडी. इसकी बॉडी स्टेमलाइज का मतलब होता है मछली की तरह तैरने वाली जैसी होती है. वेब फिट होते हैं वो, जैसे डक वगैरह के होते हैं वैसे फिट होते हैं, तो इनको वाटर प्रूफ होते हैं. दीज फीचर हेल्प पेंगुइन इन स्विमिंग. स्विमिंग में ये फीचर वो हेल्प करते हैं. पेंगुइन लिव इन ए ग्रुप एंड रिमेन हडल टुगेदर. दिस फीचर हेल्प देम इन कीपिंग वार्म. यानी ये ग्रुप के अंदर रहते हैं, एक दूसरे के पास पास में रहते हैं, तो जब पास पास में रहते हैं तो उसको ठंडी कम लगती है. नाउ अडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स. बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड विंटर. टू सर्वाइव दे माइग्रेट टू रीजन सोन एज रिटर्न. आफ्टर द विंटर इज ओवर दिस टेम्पररी चेंज ऑफ लिविंग हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन.
डियर स्टूडेंट, ये है कि जो बर्ड्स होते हैं ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं कि जिस एरिया